बता दें कि पिछले कुछ महीनों से राज्य में लगातार चल रही उठापटक के बाद पेमा खांडू की सरकार बनी थी, लेकिन कुछ समय बाद खांडू समेत 43 विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर अरुणाचल पीपुल्स पार्टी का दामन थाम लिया था। फिलहाल राज्य में बीजेपी के 11 विधायक हैं। पीपीए नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा है, जो एनडीए का ही एक हिस्सा है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में खांडू ने पीएम मोदी और बीजेपी चीफ अमित शाह से मुलाकात की थी। तब उन्होंने बीजेपी से सरकार में शामिल होने की पेशकश की थी। खांडू के समर्थकों का दावा है कि अगर बीजेपी सरकार का हिस्सा बनती है तो इससे सरकार में स्थिरता आएगी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ काफी हिस्सा शेयर करता है।